इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि संभागायुक्त पवन शर्मा के निर्णय आदेश अनुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गरीब बस्तियों में व शहर में मासिक वितरित किए जाएंगे, जिसके तहत सोमवार को इंदौर के राजवाड़ा चौक से सांसद लालवानी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लालवानी के चित्र वाले मासिक वितरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पहले चरण के अंतर्गत भाजपा द्वारा 10,000 मास्क के वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें निचली गरीब बस्तियों में भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा कोरोना से बचाव के लिए मास्क बांटे गए। देखिए, हमारे मित्र है पवन शर्मा जी, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जो बस्तियां हैं उन बस्तियों में मास्क बांटने का काम करेंगे और वो बहुत ही प्रभावित हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान हुआ इस कोरोना को लेकर, उस कोरोना के जिस प्रकार की कदम केंद्र सरकार ने उठाए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उठाया, उसको लेके उन्होंने मोदी जी के मास्क बना लिए, मोदी जी के, शिवराज सिंह चौहान जी के। तो वो चाह रहे हैं कि जिस प्रकार सरकार ने इस कोरोना के उस पर ऐसे कदम उठाए हैं तो जन जन तक पहुँचाना चाहिए। तो ये बस्ती में अभी उन्होंने प्रारंभिक तौर पर पहले चरण में 10,000 मास्क बांटने का निर्णय लिया है। आज सांकेतिक तौर पर यहाँ बांटे हैं, बाकी वो गरीब बस्तियों में जहाँ पर मास्क नहीं मिल पाता है लोगों को, जहाँ पर बच्चों को, महिलाओं को बस्ती के खरीद नहीं पाती, वहाँ ये निःशुल्क बांटेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने निर्णय लिया कि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम और दूसरे चरण में भी बांटेंगे। जिसमें निचली गरीब बस्तियों में भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा कोरोना से बचाव के लिए मास्क बांटे जाएंगे। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।